क्या हाल है पोकी फैंस, मैं हूँ बोल्ट एंड गाइस पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू एपिसोड नंबर 14 में आप सभी भाइयों को स्वागत कर रहा हूँ दिल से। गाइस तो कल वाला एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया था कि कैसे मैंने मोल्ट्रेस को पकड़ लिया था और अभी मेरे पास 3 लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन्स है, मोल्ट्रेस, आर्टिगोनो और चैप्डोस। एंड गाइस जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो, मैं हूँ इंडिगो प्लेटू में गाइस। एंड अब से मतलब आज से मेरा पोकेमॉन चैंपियनशिप का जो जर्नी है वो शुरू होता है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। एंड गाइस आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो तो अपने बोल भाई को जरूर से सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, ठीक है। ओके गाइस तो हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड आप लोग देख पा रहे हो गाइस यहाँ पे सीन बहुत अलग है। एंड मैं बाहर क्यों आ गया फिर से मैं बाहर आ गया हूँ। ओके तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे है नट जॉय, तो चलो अपने पोकेमॉन्स को पहले हील अप कर लेते हैं। एंड गाइस मैंने सुना है कि मुझे यहाँ पे मेगा स्टोन्स मिलने वाले हैं, बाकी के जो मेगा स्टोन्स है और 9 मेगा स्टोन्स है शायद से, एंड वो 9 मेगा स्टोन्स मुझे मिलने वाला है चैंपियन बनने के बाद। एंड इधर ही मेरे को मिलने वाला है एक पिंक कलर वाला इंसान यहाँ पे होगा, मतलब पिंक कलर के कपड़े पहना हुआ है एक इंसान इधर ही मेरे को मिलने वाला है, लेकिन अभी नज़र ही नहीं आ रहा है। तो अभी तो नहीं मिलेगा ना गाइस, तो चलो चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा मुझे, तो इससे बात करके देखते हैं। आर यू डन विथ योर शॉपिंग, इज योर पार्टी ऑल हील्ड अप? हाँ एकदम हील्ड अप हो गया। दिस इज द बिग चैलेंज सो यू वांट टू मेक श्योर यू आर फुली प्रिपेयर्ड? हाँ यार मेरे पास है हाइपर पोशंस वगैरह, और ये एस ट्रेनर है इनसे पूछते हैं। इफ़ यू गो ऑन अहेड यू विल फेस द एलीट फॉर 1v1, इफ़ यू विन ए डोर ओपन फॉर द नेक्स्ट ट्रेनर, गुड लक। ओके तो इनसे बात करके देखते हैं। आई कांट इवन बीट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एलीट फोर, ये बोल रहे हैं कि मैं तो भाई पहले मेंबर को ही हरा नहीं पाया, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एलीट फोर के मेंबर्स, ऑब्वियसली गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज द पोकेमॉन लीग द मोस्ट स्किल्ड ट्रेनर्स, तो आप लोग समझ गए ना ये है पोकेमॉन लीग गाइस, यहाँ पे सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मतलब जो अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं वही यहाँ पे जा सकते हैं, वही जीत सकते हैं, वही चैंपियन बन सकते हैं। एवरीवन कॉल्स मी मैडम मेमोरियल, ओके आई नो एवरी मूव दैट पोकेमॉन लर्न्स एज इट ग्रोज, यू सी आई कैन हेल्प योर पोकेमॉन रिमेंबर एनी ऑफ दोज मूव्स दैट इट हैज़ लेट गो इन द पास, आई विल हेल्प योर पोकेमॉन रिकवर देयर लॉस्ट मूव्स इन एक्सचेंज फॉर हार्ड स्किल्स इफ यू हैव एनी। Do you want to remind your Pokemon of a move in exchange of a hard skill? हाँ मेरे पास hard skill तो है, तो कौन से वाले Pokemon को सिखाएंगे guys? कौन से वाले Pokemon को सिखाएंगे? Rhydon के पास, Rhydon का मैंने एक attack मतलब move remove कर दिया था, तो चलो देखते हैं। Okay, Rock Throw, Mega Horn, guys ये वाला attack Mega Horn, या फिर मैं Earthquake भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को Rock type move एक लेना चाहिए था, ठीक है रॉक टाइप मूव लेना चाहिए था। रॉक थ्रो ले सकते हैं, लेकिन मेगा हॉर्न एक बग टाइप मूव है, ठीक है एंड ये काम आएगा गाइस, ये काफ़ी शक्तिशाली होगा। देखो गाइस मैं मेगा हॉर्न अगर चूज कर लेता हूँ, ठीक है मैं मेगा हॉर्न अगर चूज कर लेता हूँ, सपोज मेरे सामने एक वाटर टाइप पोकेमॉन आ जाता है, ठीक है तो मैं मेगा हॉर्न का यूज करके उस वाटर पोकेमॉन को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे सकता हूँ। तो चलो मेगा हॉर्न ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है तो अभी कौन सा मूव हम लोग हटाएंगे अपने राइडाउन से देखते हैं। फ्लेम थ्रोअर, सिज्मिक टॉस, सिज्मिक टॉस नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक ग्राउंड टाइप मूव है, ठीक है तो सिज्मिक टॉस नहीं चाहिए, तो सिज्मिक टॉस के जगह मैंने मेगा हॉर्न को रख लिया है। ओके हो गया है इधर। ओके और मेरे पास हर्ट स्किल नहीं है तो और सीखना भी नहीं है। ओके गाइस तो मैंने सभी के साथ बात कर ही लिया आई गेस। ओके यहाँ पे एक बंदा है, हे यू इफ़ यू हैव एन एग्जीक्यूटर आई विल ट्रेड माई एग्जीक्यूटर फॉर इट, ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास अगर एक एग्जीक्यूटर है तो मैं अपना एग्जीक्यूटर तुमको दूंगा, लेकिन मेरे पास अगर एग्जीक्यूटर है तो तुमसे मैं एग्जीक्यूटर लूंगा ही क्यों? वट डू यू थिंक? नहीं मेरे पास एग्जीक्यूटर है ही नहीं, मेरे पास एग्जीक्यूट है, मैंने थोड़ी देर पहले ही मतलब कल वाले एपिसोड में पकड़ा था मैंने एग्जीक्यूट को, तो गाइज मुझे डर लग रहा है। तो एक काम करते हैं गाइज, अभी देख लेते हैं मेरे पार्टी में कौन कौन से पोकेमॉन्स है। एल्काज़ाम है, चार्जर्ड है, वीनासोर है, पिकाचू है, ब्लास्टोइस है और राइडन है। गाइस आप लोग अभी टेंशन मत लो, बहुत लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, आप में से बहुत सारे भाई लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि बोल भाई अपने पोकेमॉन्स को स्विच कर करके मतलब फाइट करना, ठीक है एक एलीट फोर के साथ ये वाले पोकेमॉन्स ले, पहले वाले पोकेमॉन्स ले, फिर दूसरे एलीट फोर मेंबर के साथ दूसरे वाले पोकेमॉन्स ले। तो लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन्स आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं पोकेमॉन बॉक्स में जाके। तो लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन मेरे पास मोल्ट्रेस, जैपडोस और आर्टिकुनो है, ठीक है तो मैं क्या करूँगा गाइस, आर्टिकुनो, जैपडोस और मोल्ट्रेस को यूज़ करूँगा जब मैं दूसरे एलीट फोर मेंबर के साथ फाइट करूँगा, ठीक है तो चलो अभी हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं गाइस। एंड मुझे काफ़ी डर लग रहा है लेकिन गाइस अभी
हम लोग फाइट करके जीतने वाले। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ओके गाइस, ओ ये तो लॉर्डली है गाइस, ये तो लॉर्डली है। एंड मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आइस टाइप चैलेंज होने वाला है गाइस, ये क्योंकि लेप्रास है भाई। क्या ही खूबसूरत है ये, क्या ही खूबसूरत है गाइस जगह, फुल ऑन आइस वाला एकदम। चलो फाइट करते हैं गाइस, मुझे डर लग रहा है गाइस। एक मिनट गाइस, एक काम करते हैं अभी, तो शायद से पहला वाला पोकेमॉन वाटर टाइप भी हो सकता है, आइस टाइप भी हो सकता है। मेरे को डर लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ, पिकाचू को पहले नंबर पे भेजेंगे यार, पिकाचू को पहले नंबर पे भेजेंगे, ठीक है। मूव पोकेमॉन करते हैं और पिकाचू को पहले नंबर पे भेज देते हैं। एंड गाइस अभी चलो फाइट करते हैं गाइस, और वेट नहीं करेंगे, चलो फाइट करेंगे गाइस। लॉर्ले, वेलकम टू द पोकेमॉन लीग। ओ लुक्स लाइक यू फाइनली मेड योर वे हियर, इट श्योर टुक यू ए वाइल्ड डो। ओके वेल देन अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम लॉर्ली ऑफ द एलीट फोर, नो वन कैन बेस्ट मी व्हेन इट कम्स टू आइसी पोकेमॉन। मैंने बोला था ना गाइस, ये आइस टाइप चैलेंज होने वाला है, फ्रीजिंग मूव्स आर पावरफुल, योर पोकेमॉन विल बी एट माई मर्सी व्हेन दे आर फ्रोजन सॉलिड। ओके तो मतलब फुल ऑन पूरा कॉन्फिडेंट में है कि ये मुझे हराएगी, मेरे पोकेमॉन्स को फ्रीज करेगी। दैट्स बिकॉज फ्रोजन पोकेमॉन कांट डू ए थिंग इन बैटल। ओके आर यू रेडी, हंस रही है मेरे ऊपर, चलो दिखा देते हैं कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ गाइस, चलो दिखा दे गाइस। ओके ओ भाई साहब, 5 के 5 पोकेमॉन्स है भाई, और 5.5 शायद से वाटर आइस टाइप पोकेमॉन होने वाला है, वाटर टाइप पोकेमॉन भी होने वाला है, और गाइस वाटर आइस टाइप पोकेमॉन भी होने वाला है। तो गाइस मैं तो ड्यूगोंग को अभी एक ही फटके में उड़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये तो एक वाटर टाइप पोकेमॉन ही है ना, तो थंडर यूज़ करेंगे। और दिखाता हूँ मैं दिखाता हूँ मेरा पिकाचू कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। लॉर्डली लगा फटका, क्या हुआ, इट्स सुपर इफेक्टिव पिकाचू, बहुत बढ़िया गाइस, पिकाचू ओपी हो जाना चाहिए। ओके अब देखते हैं दूसरा वाला पोकेमॉन किसको भेजने वाली है, हम स्विच करके फाइट करेंगे, जिंक्स को भेज रहे हैं ना, जिंक्स के साथ फाइट करेगा चारिज़ार्ड गाइस, और इस बार मैं मेगा चारिज़ार्ड भी बढ़ाने वाला हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो ना मेगा चारिज़ार्ड को देखने के लिए, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। ओके आ गया है बैटल ग्राउंड में चारिज़ार्ड, और देखते हैं जिंक्स कितने लेवल का है। वैसे मेरा चारिज़ार्ड भी लेवल 51 में है, और जिंक्स भी लेवल 51 में है। चारिज़ार्ड अभी करके दिखाएगा गाइस, मेगा एवोल्यूशन एक्स यूज़ किया, और गाइस फ्लेम थ्रोअर यूज़ करेंगे, क्योंकि जिंक्स तो एक साइकिक आइस टाइप पोकेमॉन है ना। ओके मज़ा आने वाला है गाइस, मज़ा आने वाला है। ओके गाइस मेगा चारिज़ार्ड एक्स, अब देखते हैं। लवली क्यूस यूज़ किया यार, अब मैं सो जाऊँगा शायद से। अरे नहीं यार, मेरे को सुला दिया यार, ये तो गलत बात है यार। लेकिन गाइस आप लोग टेंशन मत लो, मैं एकदम प्रिपेयर्ड आया हूँ। फाइट नहीं करना है चारिज़ार्ड। ओके अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं एकदम प्रिपेयर्ड आया हूँ, मेरे बैग में है अवेकनिंग, तो मैं अवेकनिंग का यूज़ करके अपने चारिज़ार्ड को नींद से जगाने वाला हूँ। ओके चारिज़ार्ड अभी सो के उठ गया है। ओके ब्लिज़र्ड यूज़ कर रहा है ना, लगा फटका बट इतना नहीं, लेकिन इसको इस बार फटका पड़ने वाला है जिंक्स को। अरे फिर से लवली क्यूस यूज़ किया यार, मैं फिर से सो गया यार, जिंक्स मेरे को हरा देगा क्या? अरे ये गलत बात है यार, चैलेंज दे रहा है यार जिंक्स। चलो चारिज़ार्ड कमान ब्लिज़र्ड फिर से यूज़ कर रहा है ब्लिज़र्ड यार। ओ गाइस मेरा चारिज़ार्ड हार जाएगा शायद से यार, मेगा चारिज़ार्ड को हरा देगा यार। ओके और एक बार फ्लेम थ्रोअर यूज़ करें, अवेकनिंग यूज़ करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं गाइस, ये फिर से लवली इस यूज़ करेगी। मैं हार गया गाइस, मैंने मेगा चारिज़ार्ड को हरा दिया यार, भाई साहब मान गया यार। कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस अभी दिखाने वाला हूँ मैं जिंक्स को, राइड ऑन दिखाएगा, जाओ राइड ऑन तुम कर सकते हो। यस गाइस यस, अब मज़ा आने वाला है, अब दिखाता हूँ ड्रिल रन यूज़ करके, अब फटका पड़ेगा ना। लवली किस फिर से यूज़ कर रही है यार, फिर से सो गया, लेकिन राइड ऑन मेरा कर लेगा मुझे पता है, राइड ऑन कमान। अरे यार ये सब मूव्स यूज़ क्यों करती है यार। ओके ड्रिल रन फिर से यूज़ करेंगे हम लोग, ब्लिज़र्ड यूज़ कर रहा है, मेरे को सुपर इफेक्टिव पड़ा, ब्लिज़र्ड यूज़ कर रहा तो सुपर इफेक्टिव था। और राइड ऑन उठ गया है नींद से, और राइड ऑन एक ही बार में उड़ा दिया भाई, ये है राइड ऑन का पावर गाइस, ये है राइड ऑन का पावर। मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आया ना, हाँ मज़ा आया ना। लॉर्डली अब भेजो अपने दूसरे पोकेमॉन को, क्लॉयस्टर को भेज रहे तो मुझे चेंज करना पड़ेगा गाइस, क्लॉयस्टर को भेज रहे ना तो फिर से मुझे, हे मेरे पास अल्काज़ाम है ना, मैं भूल गया, अल्काज़ाम को भेजेंगे गाइस, अब देखते हैं गाइस।
वैसे गाइस जिंक्स ने मेरे चार्जर्ड को हरा दिया था यार, मतलब मेगा चार्जर्ड एक्स को भी हरा दिया था। जिंक्स तो ओपी निकली यार। ओके क्लॉयस्टर को भेजा, क्लॉयस्टर चलो इसका सामना करो साइकिक का, देखते हैं। कमान अल्कज़ाम कमान। ओके वन शॉट बोलते गाइस, मेरे टीम में वैसे 2-3 ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओपी है, बहुत ज़्यादा ओपी है, और उनमें से एक है अल्कज़ाम गाइस। लैप्रास को भेज रहा है। ओके अल्कज़ाम से ही फाइट करवाएंगे, चलो देखते हैं गाइस। लैप्रास मेन पोकेमॉन है गाइस, ठीक है, लॉर्डले का मेन पोकेमॉन है। चलो लैप्रास काफ़ी शक्तिशाली नज़र आ रहा है, तो साइकिक फिर से यूज़ करेंगे गाइस। अब देखते हैं अल्कज़ाम कमान कमान अल्कज़ाम गाइस। बैटल ग्राउंड में अभी भी है। ओ नो ब्लिज़र्ड यूज़ कर रहा है, मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन ब्लिज़र्ड से। ट्राई अटैक यूज़ करते हैं और इस गेम को ख़त्म करते हैं जल्दी से गाइस। यस 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 लैप्रास आउट हो गया। अभी बस एक ही पोकेमॉन बाकी है, अब देखते हैं ये लास्ट वाला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। लेट्स सी। ओके स्लो ब्रो को भेज रही है, तो स्लो ब्रो के अगेंस्ट मैं काम करूँगा गाइस। स्लो ब्रो को भेज रहे हैं ना, तो स्लो ब्रो को अगेंस्ट वीनासोर को भेजूंगा गाइस। अब मज़ा आने वाला है गाइस बैटल में। जाओ वीनासोर, भेजो अपने स्लो ब्रो को। ओके गाइस मैं शायद से मेगा स्टोन यूज़ कर पाऊंगा ना। हाँ गाइस एक गेम में सिर्फ एक ही बार हम लोग मेगा स्टोन को यूज़ कर पाते हैं, तो चलो गाइस यूज़ करते हैं मेगा ड्रेन। अब देखते हैं स्लो ब्रो टिक पाएगा क्या, नहीं टिक पाएगा क्योंकि इट्स सुपर इफेक्टिव गाइस। हरा दिया है गाइस मैंने लॉर्डली को, फाइनली हरा दिया है गाइस, मज़ा आ गया गाइस। तो फोर्थ मेंबर हो गई है डिफीट, लॉर्डली को हमने कर दिया है डिफीट। थिंग्स शुडन बी दिस वे, ये खुद शॉक हो गई है। ओके यू गॉट $10,400 ऑफ विनिंग। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसा मिला यार, क्या बोलने वाली है ये मुझे। लॉर्डली लुक्स लाइक यू हैव गॉटन स्ट्रॉन्गर सिंस वी लास्ट मेट, गो ऑन अहेड। ओके ये वाला दरवाज़ा खुल जाएगा। यू ओनली गॉट अ टेस्ट ऑफ द पोकेमॉन्स पावर लीग, ये बोल रही है कि ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलो गाइस मुझे अपने टीम में जाकर के अपने पोकेमॉन्स को रिवाइव कर लेना चाहिए, जल्दी से रिवाइव कर लेते हैं गाइस। ओके मैक्स रिवाइव मेरे पास 29 है, तो 4000 तो अभी रिवाइव हो जाएगा, और मैक्स पोशन का भी यूज़ करना पड़ेगा राइडॉन के ऊपर। ओके एंड गाइस राइडॉन सो रहा है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा। अच्छा नहीं 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 राइडॉन नींद से जाग गया था, और एक हाइपर पोशन यूज़ कर लेते हैं। कहाँ गया हाइपर पोशन और नहीं है क्या मेरे पास, है तो और एक बार हाइपर पोशन यूज़ कर लेते हैं अल्कज़ाम के ऊपर, ठीक है। एंड गाइस मैंने एक चीज़ आप लोग को बोला था ना कि मैं अपने पोकेमॉन को स्विच करने वाला हूँ, तो इस बार दूसरे बैटल में मैं अपने लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट करवाने वाला हूँ, तो चलो लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन ले ही लेते हैं। जल्दी से अपने पोकेमॉन बॉक्स में जाके मुझे मोल्ट्रेस, अरे नहीं नहीं एग्जीक्यूट को नहीं सॉरी मोल्ट्रेस को लाना है चार्जर्ड के जगह, और आर्टिकुनो को लाना है, एक मिनट आर्टिकुनो को किसके जगह लाएंगे, ब्लास्टोइस के जगह, और जैपडोस को लाएंगे पिकाचू के जगह गाइस। मुझे पता नहीं मैं पिकाचू को क्यों स्विच कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे टीम में अभी डोडो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स तो नहीं चाहिए ना। तो चलो गाइस पक्का ये फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स यूज़ करने वाला, आप लोग देख पा रहे हो, एंड ये इस आदमी को देख के भी लग रहा है कि ये फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स यूज़ करेगा। ओके यूज़ करो फाइटिंग टाइप्स, तो मुझे एक काम करना चाहिए गाइस, मुझे अपने राइडॉन को पहले नंबर पे, नहीं 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 मुझे अपने अल्कज़ाम को पहले नंबर पे भेजना चाहिए अभी, क्योंकि ये साइकिक टाइप पोकेमॉन है और फटका पड़ेगा, अगर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन यूज़ करेगा तो इसको बहुत ज़्यादा फटका पड़ने वाला है, तो चलो देखते हैं गाइस। ओके ब्रूनो, आई एम ब्रूनो ऑफ एलीट फोर गाइस, ये ब्रूनो है। थ्रू रिगोरस ट्रेनिंग पीपल एंड पोकेमॉन कैन बिकम स्ट्रॉन्गर विदाउट लिमिट। ओके आई हैव लिव्ड एंड ट्रेन विद माई फाइटिंग टाइप पोकेमॉन गाइज, मैंने बोला था ना फाइटिंग टाइप पोकेमॉन एंड दैट विल नेवर चेंज, तो ये हमेशा के लिए मतलब जीवन भर ये फाइटिंग टाइप पोकेमॉन ही यूज करने वाले हैं। आई एम बोल्ड वॉज इट, वी विल ग्राइंड यू डाउन विथ आवर सुपीरियर पावर। ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और ये बोल रहा है कि ये मुझे एकदम मिक्सी में जैसे हम लोग ग्राइंड करते हैं ना सब्जियों को, ये वैसे मेरे को ग्राइंड करने वाला है, तो चलो देखते ये ग्राइंड कर पाएगा मुझे, चलो देखते चलो इसको हराते हैं गाइस, चलो इसको हराएंगे, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। ऑनिक्स को भेज रहा है, फटका पड़ेगा भाई ऑनिक्स को, देखते हैं कौन से लेवल का ऑनिक्स है ये। अल्कज़ाम को भेजा मैंने, एक छोटा सा अल्कज़ाम है और सामने की तरफ आप लोग देख रहे हो एक बहुत बड़ा जायंट ऑनिक्स, अभी आप लोग देखने वाले हो।
मेरे अल्काज़ाम का पावर दिखा दो, अल्काज़ाम की तुम कितना शक्तिशाली हो। फटका पड़ा और वन शॉट बोल्टे। कैसा लगा ऑनिक्स, कैसा लगा ब्रूनो? तुम बोल रहे थे ना तुम मुझे ग्राइंड करोगे, क्या हो गया ग्राइंड का, क्या हो गया? अब देखते हैं दूसरे वाले पोकेमन मैचैम को भेज रहे। चलो मैचैम को भेज रहे ना, स्विच करेंगे पोकेमन और इस बार भेजेंगे गाइस आर्टिकूनो को। चलो लेजेंडरी टाइप बैटल होने वाला है अभी, अब मजा आने वाला है। ये देखो ब्रूनो मेरे पास आर्टिकूनो है। अब देखते हैं मैचैम को भेजा गाइस। ओके ये काफ़ी शक्तिशाली पोकेमन है, वैसे मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मैं आर्टिकूनो का लेवल कम है लेकिन मेरा आर्टिकूनो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आर्टिकूनो ऊपर उड़ गया है। अब मैचैम कुछ कर नहीं पाएगा, रॉक स्लाइड यूज़ कर रहा है तो मेरे को फटका नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अभी ऊपर आसमान में हूँ। अभी यूज़ करो फ्लाई, फटका पड़ने वाला है इसको, लगा फटका, हाफ हो गया इसका हेल्थ। इट्स सुपर इफेक्टिव, रॉक स्लाइड फिर से यूज़ कर रहा है एंड मेरा आर्टिकूनो है एक लेजेंडरी पोकेमन है तो इसलिए आराम से अवॉइड कर दिया है अटैक को। एंड अभी गाइस हाइपर बीम से खेल समाप्त करते हैं। यस गाइस ये है एक लेजेंडरी टाइप पोकेमन आर्टिकूनो। अरे भाई साहब हाइपर बीम को इसने सह लिया यार, अब तो रॉक स्लाइड मेरे ऊपर पड़ने वाला है और इसने तो एक ही बार में हरा दिया यार। भाई साहब ये क्या था गाइस, ये क्या था? ओ भाई मेरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चलो मोल्ट्रेस को भेजते हैं गाइस, मोल्ट्रेस को भेजते हैं गाइस, वैसे मैचैम तो हार ही जाएगा। ओके गाइस ये है मेरा सबसे मतलब अभी रिसेंटली मैंने मोल्ट्रेस को पकड़ा है तो मोल्ट्रेस तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। हीट वेव यूज़ करेंगे गाइस, देखते हैं। ये गया मैचैम तो गया गाइस। यस लेकिन भाई मैचैम को मतलब हराने में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ा, आप लोग देख पा रहे थे ना, हीट वेव से भी इट्टू सा हेल जा रहा था, मतलब कितने स्लोली तरीके से जा रहा था। अल्काज़ाम ग्रो टू लेवल 62, अभी कौन सा पोकेमन भेजने वाला है? हिटमॉनली, तो हिटमॉनली के साथ भी मैं फाइट करना चाहूँगा। देखते हैं गाइस मोल्ट्रेस डिफीट कर पाएगा हिटमॉनली को। ओके आ गया है हिटमॉनली, मैं यूज़ करूँगा गाइस इस बार एयर स्लैश, सुपर इफेक्टिव मूव होने वाला है। ये रॉक स्लाइड यूज़ कर रहा है गाइस, फटका पड़ेगा मेरे ऊपर। ओ भाई साहब एक ही बार में उड़ा दिया यार, ये नहीं हो सकता यार, लेजेंडरी टाइप पोकेमन को एक ही बार में हरा दिया क्योंकि रॉक टाइप मूव यूज़ कर रहा है ना तो इसी कारण से। चलो गाइस अभी जैपडोस नहीं फिर से अल्काज़ाम को भेजेंगे गाइस। अल्काज़ाम को हरा के दिखाओ हिटमॉनली, अल्काज़ाम को हरा के दिखाओ तब मानेंगे ना। अब दिखाता हूँ मैं इसको, रुको गाइस अब दिखाएंगे इसको, साइकिक यूज़ करेंगे। अब वन शॉट बोल्टे होगा गाइस यहाँ पे, वन शॉट बोल्टे, मैंने बोला था ना इट्स सुपर इफेक्टिव। क्या तुम ही सुपर इफेक्टिव मूव यूज़ कर पाओगे? क्या मैं भी सुपर इफेक्टिव पोकेमन और मूव्स यूज़ कर पाऊंगा यार? ओके अब देखते हैं दूसरा वाला पोकेमन पोलीरेट। अब तो भाई यहाँ पे रूल करेगा जैपडोस, पोलीरेट तो एक वाटर टाइप पोकेमन है, अब मजा आने वाला है गाइस, अब देखते हैं गाइस। ओके जैपडोस तुम जाओ। ओके गाइस एंड मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि बहुत सारे भाइयों का सबसे फेवरेट जो लेजेंडरी बर्ड पोकेमन है वो है जैपडोस। इसका आकार के कारण शायद से आप लोग को पसंद है ना, इसका जो शेप है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आप लोग देख पा रहे हो फटका तो पड़ा, इट्स सुपर इफेक्टिव। आप देखते हैं वाटरफॉल यूज़ करा लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा वाटरफॉल से, मैं तो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमन हूँ ना। एंड पोलीरेट बाय बाय, अब जैपडोस ने फाइनली पोलीरेट को हरा ही दिया, मज़ा आ गया, इट्स सुपर इफेक्टिव। अब देखते हैं दूसरा वाला पोकेमन कौन सा भेजने वाला है और ये लास्ट पोकेमन होगा गाइस ब्रूनो का, देखते हैं गाइस लेट्स सी। हिटमॉनचैन को भेज रहे, फाइट करूँ क्या गाइस? फाइट नहीं करेंगे गाइस, मैं इस बार अपने राइडॉन को भेजूंगा। चलो देखते हैं गाइस, फाइटिंग टाइप मूव्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं गाइस रॉक टाइप के अगेंस्ट, लेकिन देखते हैं मेरा राइडॉन सह पाएगा कि नहीं अटैक्स को। चलो हिटमॉनचैन को भेजा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेवल 52 का है, तुम कर पाओगे मुझे पता है। ड्रिल रन यूज़ करके एक ही बार में उड़ाएंगे, आइस पंच यूज़ करें, फटका पड़ेगा मेरे को। ओ भाई इट्स सुपर इफेक्टिव मूव, लेकिन आप लोगों ने देखा ना मेरा राइडॉन कितना ज़्यादा ओपी है यार, वन शॉट बोल्टे गाइस, वन शॉट बोल्टे, राइडॉन के ऊपर सुपर इफेक्टिव मूव भी यूज़ किया लेकिन राइडॉन डट के सामना करा और हरा दिया गाइस हिटमॉनचैन को और एक ही फटके में। क्या हो गया, तो मुझे ग्राइंड करने वाले थे ना, वाई हाउ कूड आई लूज? ओके यू गॉट 10,600 फॉर विनिंग, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है यार। ओके इफ यू हैव डिफीटेड मी देन माई जॉब इज डन, आई मे नॉट लाइक इट बट गो फेस योर नेक्स्ट चैलेंज। ओके तो दरवाज़ा खुल गया है गाइस, तो हमने दूसरे एलीट फोर मेंबर को भी हरा दिया है, तो चलो इस गेम को सेव कर लेते हैं इधर। एंड गाइस
फिर से हम अपने बैग में जाकर के पोकेमन्स लाने वाले हैं, और इस बार कौन लड़ेगा गाइस? इस बार फायर टाइप पोकेमन में जाएगा अर्कनाइन। इस बार फायर टाइप पोकेमन में जाएगा अर्कनाइन, और एक मिनट, और गाइस वाटर टाइप पोकेमन में जाएगा ब्लास्टोइज इस बार। तो चलो, ब्लास्टोइज को मैंने ले लिया है। ओके गाइस, तो जेपडोज को हटा के हम लोग फिर से लेने वाले अपने पिकाचू को, जो कि मेरा मेन पोकेमन है। जेपडोज, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यार। ओके, तो गाइस इधर हो गया है काम, और एक बार एक चीज़ देख ही लेते हैं, मेरे पोकेमन सब ठीक है ना। राइडॉन का थोड़ा एचपी कम है, लेकिन राइडॉन लड़ लेगा, इतने एचपी में भी राइडॉन कर लेगा गाइस, मुझे बिलीव है अपने राइडॉन पे। ओ गाइस, ये तो घोस्ट टाइप पोकेमन यूज़ करने वाला है। ये अगाथा है ना शायद से, ये अगाथा है गाइस, ये अगाथा है, श्योर ये घोस्ट टाइप पोकेमन यूज़ करने वाली है। तो चलो फाइट करते हैं अगाथा के साथ, है ना अगाथा? यस गाइस, मैंने बोला था ना अगाथा, आई एम अगाथा ऑफ द एलिट फोर। ये गाइस ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। ये बोल रही है कि आई हियर ओक्स टेकन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन यू चाइल्ड। अच्छा, इनको पता है कि ओक ने ही मुझे अपने पिकाचू दिया था, और ओक के वजह से ही मैं आज एक पोकेमन ट्रेनर बना हूँ। तो चलो, और क्या बोल रही है? डैट ओल्ड डफ वॉज वंस टफ एंड हैंडसम। अच्छा अगाथा, लाइन मर रही हो, बट डैट वॉज डिकेड्स अगो। ओके, तुम भी तो बूढ़ी हो गई यार, ओक को क्यों हंस रहे हो? He is a shadow of his former self. Okay, now he just wants to fiddle with his Pokédex. He is a fool. अच्छा, fool बोल रही है ये, लेकिन Professor Oak fool नहीं है, Professor Oak है OP. Okay, Pokémons are for battling. Okay, I am Bolt. I will show you how a real trainer battles. Okay, मज़ा आने वाला है guys. अब देखते हैं guys, अगाथा के कौन कौन से Pokémons मेरे को फटका देने वाला है। चलो देखते हैं। Your challenge by Elite Four अगाथा। अर्बॉक को यूज़ करा, पॉइजन टाइप पोकेमन को यूज़ कर रहा है, डार्क टाइप भी है ना, डार्क टाइप मूव यूज़ करने वाली है ये, श्योर। लेकिन फटका तो पड़ेगा भाई, अल्काजाम सामने है तो सभी को फटका पड़ने वाला है। अरे मैं ड्रीम एटर क्यों यूज़ किया यार, ड्रीम एटर यूज़ नहीं करना था क्योंकि इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ओके, अवॉइड कर दिया मेरे अल्काजाम ने। ओके, अब तो फटका पड़ेगा, साइकिक यूज़ कर रहे हैं इस बार। ओके, अब तो फटका पड़ेगा। यस गाइस, इट्स सुपर इफेक्टिव, और अर्बॉक गया गाइस। अगाथा क्या हो गया? ओके गाइस, अब देखते हैं दूसरा वाला पोकेमन कौन सा होने वाला है। चलो देखते हैं। एलीट फोर अगाथा इज अबाउट टू सेंड आउट गेंगार। तो स्विच करेंगे, बिल्कुल मैंने जैसे बोला था कि स्विच कर के फाइट करेंगे। तो गाइस, बहुत देर के बाद मेरा सबसे फेवरेट फायर टाइप पोकेमन बैटल ग्राउंड पे आ रहा है, और वो है अर्कनाइन गाइस। अब मजा आने वाला है गाइस, अब दिखाने वाला है अर्कनाइन। गेंगार को भेजा। ओके, गेंगार आ गया है, और इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ गाइस फायर ब्लास्ट। इसको रोक के दिखाओ गेंगर। लगा ना फटका गेंगर, कैसा लगा? गाइस, ये है गाइस मेरा सबसे फेवरेट फायर टाइप पोकेमन अर्कनाइन। अब देखते दूसरा वाला पोकेमन कौन सा होने वाला है। ब्लास्टोइज ड्यू टू लेवल 53। ओके, वीजिंग को भेजा, जो कि मुझे एकदम सख्त नफरत है, ठीक है, वीजिंग को मैं देख ही नहीं सकता हूँ। वीजिंग को भेज रहा है, तो यार वीजिंग के अगेंस्ट गाइस राइडॉन को भेजेंगे गाइस। ग्राउंड टाइप मूव यूज़ करेंगे, और वीजिंग भाई चटके से ख़त्म हो जाएगा, मतलब फटके में ख़त्म हो जाएगा। ओके, राइडॉन आ गया है बैटल ग्राउंड में, वीजिंग भी आ गया है बैटल ग्राउंड में। अब दिखाता हूँ मैं इसको ड्रिल रन यूज़ करके। वीजिंग, इसका सामना करो। अटैक को अवॉइड कर दिया यार वीजिंग ने, और शैडो बॉल यूज़ करा, लेकिन फटका इतना नहीं पड़ा क्योंकि मेरा राइडॉन है ओपी। एंड गाइस, कल मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करा था राइडॉन गॉड ओपी करके, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड सही में यार गॉड ओपी यार, आप लोग देख पाए ना, एक ही फटके में उड़ा दिया विजिंग को। अब देखते हैं लास्ट पोकेमन कौन से होने वाला है। लास्ट ही पोकेमन है ना, लास्ट पोकेमन है शायद से। गोल्ड बेट को भेजा भाई, मेरे को गोल्ड बेट भी पसंद नहीं है। ओके, मैं स्विच करूँगा गाइस। गोल्ड बेट के अगेंस्ट मैं पिकाचू को भेजना चाहूँगा। जाओ पिकाचू, दिखा दो गोल्ड बेट को कि तुम क्या चीज़ हो। ओके गाइस, और दो पोकेमन से, मतलब एक तो गोल्बेथ है और एक लास्ट वाला पोकेमन आने वाला है। आ गया है पिकाचू वापस से बैटल ग्राउंड में। एलिट फोर अगाथा सेंड आउट गोल्बेथ। ओके, अब मैं इसको झटका देने वाला हूँ, थंडर पंच यूज करेंगे गाइस, और गोल्बेथ को पड़ेगा फटका, और एक ही बार में गाइस, वन शॉट बोल्टे गाइस। मजा आ गया गाइस। अब देखते हैं लास्ट वाला पोकेमन कौन से होने वाला है। 841 एक्सपी पॉइंट्स मिला। अब गेंगार को एक बार भेजा था ना, दो गेंगार्स है क्या है इनके पास? एक मिनट, स्विच करते हैं गाइस, पोकेमन को स्विच करते हैं, और गाइस चलो ब्लास्टोइस को भेजेंगे गाइस, और ब्लास्टोइस को मेगा ब्लास्टोइस बनाएंगे।
एंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगाथा मेगा स्टोन का यूज़ करने वाला है और मेगा गेंगार बनाने वाला है? पता नहीं गाइस, पता नहीं क्या होने वाला है एक्चुअली, लेकिन मैं भी अपने ब्लास्टोइज़ को मेगा इवॉल्व कराने वाला हूँ अभी, और इसके ऊपर मैं वाटरफॉल यूज़ करने वाला हूँ, और देखते हैं गाइस। ओके गाइस, ये बन गया है मेगा ब्लास्टोइज़। भाई साहब क्या ही लुक्स है यार, बन गया है। अब देखते हैं, स्लज बम यूज़ करें। अच्छा, मेगा गेंगार नहीं बनाए इन्होंने, मेगा गेंगार नहीं बनाया। ओके, लेकिन ओ गेंगार को इतना फटका नहीं पड़ा। ओके, लेकिन गेंगार इस बार तुमको फटका पड़ेगा, ड्रैगन टेल यूज़ करूँगा। स्लज बम फिर से यूज़ कर रहा है यार ये गेंगार। ओके, मैं ड्रैगन टेल यूज़ किया और गया गेंगार, गया। ओ गेंगार अभी तक नहीं गया गाइस। चलो गाइस, इस बार तो जाएगा नहीं ना, इस बार मैं ब्लिजर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब देखते हैं, फिर से स्लज बम का ही यूज़ कर रहा है मेरे को, मतलब ओ हरा दिया गाइस, हरा दिया गेंगार ने। गाइस गेंगार ने करके दिखाई यार, लास्ट वाला पोकेमॉन तो ओपी था यार, गेंगार तो, ये वाला गेंगार तो ओपी है यार। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलकाजाम का फिर से सामना करो गेंगार। गेंगार क्या यूज़ करने वाला है देखते हैं, लेकिन मैं तो इसके ऊपर आइस पंच यूज़ करने वाला हूँ। कमान कमान कमान, फटका पड़ा और मैंने हरा दिया गाइस, अलकाजाम ओपी, अलकाजाम ओपी। लेकिन गाइस, मेरे चारिजार्ड को भी हरा दिया था यार, और मेरे मेगा ब्लास्टोइज़ को भी हरा दिया है यार। यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरे मेगा पोकेमॉन्स हार रहे हैं यार, मेरे को ना लेवल अप करना होगा मेरे मेगा पोकेमॉन्स को। ओके, यू बीट एलीट फॉर अगाथा, ओह माय, यू आर समथिंग स्पेशल किड। ओके, यू गॉट 10,800 फॉर विनिंग। ओके ओके गाइस, अब क्या बोलने वाली है अगाथा, यू विन, आई सी व्हाट द ओल्ड डफ सीज इन यू। अब जाके भरोसा हो रहा है, बिलीव हो रहा है कि प्रोफेसर ओक ने मुझे सही चुना है गाइस। आई हैव नथिंग एल्स टू से, रन अलॉन्ग नाउ चाइल्ड। तो ये वाला दरवाजा खुल गया है गाइस। एंड गाइस, इस बार मेरे टीम में ब्लास्टोइस के जगह आ रहा है गैराडोस गाइस, एक कमाल का शक्तिशाली वाटर टाइप पोकेमॉन। चलो मजा आने वाला है, आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स गो।